पूर्वांचल के सतत विकास के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार व संगोष्ठी के अंतर्गत दूसरे दिन शुक्रवार को सामाजिक क्षेत्र में पूर्वांचल की विभिन्न बिंदुओं पर 5 तकनीकी सत्रों में गहन मंथन किया गया। इस संबंध में मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयोजित किया गया यह 3 दिवसीय वेबिनार सेमिनार कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सहित पूर्वांचल के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आने वाले दिनों में इस वेबिनार सेमिनार के माध्यम से एक आयाम स्थापित होगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के मीडिया प्रभारी महेंद्र सिंह ने बताया, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एएनएम्स हैं, आशाज हैं, जिनका कंसर्न है कि भैया जो बीमार उसको दवा मिले, जिसका लेकिन जिंक की स्पेसिफिकेशंस नहीं थी। सो जिंक की स्पेसिफिकेशंस क्या थी? द टैबलेट शुड डिस्पर्स इन लेस देन 30 सेकेंड्स। मतलब जो छोटे 6 महीने से छोटे बच्चे की डोज है 20 मिलेगा, तो आप 40 मिलीग्राम की गोली लेंगे, उसको आधा तोड़ के मतलब 6 महीने से नीचे का बच्चा कितना कितना दिया जाएगा डायरियल बर्डन केयर डिजीज का, उसके हिसाब से फोरकास्ट करके टेंडरिंग कराएंगे और ये दवा लेके इन द प्राइवेट सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर में जोड़ा चार डॉक्टर उसको तो मालूम नहीं है, वो तो बच्चा आएगा उसको 10 लगाए तो वो सुई लगाएगा कि उसमें ज्यादा पैसे मिलते हैं, तो उनको सिखाया कि भैया बड़ी सिंपल दवा मेरे से इतना कम पड़ लेते हैं, इसको 1 लीटर पानी की बॉटल में धोलिए, काफी उसको मिलेगा, तब वो राइट कॉन्सेंट्रेशन देता है जिससे कि आपको वो हाइड्रेशन बनाएगा। जिंक कैसे देना है वो उनको बताएगा, छोटे बच्चे थे तो गोली नहीं खा सकते थे तो उनके लिए हमने फिर जिंक सिरप बनाया कि उनको पिलाया जाता है। सो दिस इज व्हाट वी डिड विद प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में और कंसर्न क्या था? प्रॉफिट इज अ कंसर्न। मैं आशा आंगनवाड़ी तो मुझे दवा बांटनी है, ठीक है, कोई सरकार ने जो देना वो दे, लेकिन अगर मैं जुड़ा साहब को मुझे 2 लाख 20 रुपये भी चाहिए तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके आगे हमने मैं आऊँगा लेकिन आगे आपको बताऊँ उसके क्या किया। हमने जितने भी फार्मा के जितने भी बीच में इंटरमीडिएट चैनल्स थे, फार्मा कंपनी से दवाई जाती है होलसेलर से सब होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूटर को सब डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर और फिर पेशेंट के पास आती है, हर एक लेवल पर मार्जिन थे, हमने सब काट दिया। हमने एक पार्टनर बनाए एनजीओ पार्टनर्स जिनके लड़के वहाँ से दवा लेंगे और आरएमबी को बेचते, तो उस दवा पे अगर प्राइस 300 रुपये थी तो 15 रुपये उसमें आ जाती है, दूसरी दवाई पे 20 रुपये थी 10 रुपये आ जाती है, तो उसको पेशेंट को ये बोलता था कि भैया मैं आपसे कंसल्टेशन चार्ज नहीं ले रहा, आप ही दवा लें, उस दवा के पैसे भी उसी खींच दिया जाता है। यह हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी इंटरवेंशन केवल 4 साल में, 4 साल में अगर हम सब फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते किसी भी ले लीजिए वहाँ से ले लीजिए, 4 साल के बाद पहुँचे तो कहेंगे आपको फ्री नहीं लेना, नहीं रुकेंगे पैसे लाना शुरू हो जाए, तो इसलिए हमने एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया जिससे कि हर एक जो चैनल था उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट था वो देखते हैं। एंड देन कम्युनिटी लेवल पे हमने क्या किया, इंश्योर केयर गिवर विजिट प्रोवाइडर फॉर केयर गिविंग इलनेस कि भैया। महेंद्र कुमार सिंह, देखिए 5 सेक्टर में 5 जगहों पे कार्यक्रम चल रहा है, जो 5 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सोशल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, वाटर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और ये विश्वविद्यालय में दीक्षा भवन, संवाद भवन, जंतु विज्ञान के कॉन्फ्रेंस हॉल में, और जो है रसायन विज्ञान के, और जो है बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्फ्रेंस हॉल में चल रहा है, और सारे सेशंस में इनके साथ साथ जो है कुछ स्पेशल सेशंस भी हो रहे हैं और कई हो चुके हैं, जैसे बैंकर्स मीट है, स्पेशल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से एक मीट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में एक मीट है, अभी एक मीट जो है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप पे होने वाली है। आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम देखें तो वैसे तो सारे सत्र इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आज प्राइमरी सेक्टर में हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आए हुए थे, उन्होंने अपने विचार रखे, और जो है प्राइमरी सेक्टर में ही कई विदेशों से लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी अपने विचार रखे, लेकिन बैंकर्स मीट जो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो है ये क्षेत्र में जो छोटी इकाइयां हैं, लघु इकाइयां, एमएसएमई सेक्टर है, उनको सपोर्ट करने के लिए बैंकर्स बैंक जो बैंक्स हैं उनकी वो कैसे सपोर्ट करें उनको, जिससे जो है क्योंकि इन इकाइयों में, छोटी इकाइयों में रोज़गार ज़्यादा उपलब्ध होता है, तो इसलिए वो मीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो स्पेशल ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हैं उसमें इस क्षेत्र के जो कलाकार हैं, जिसके टेराकोटा के जो कलाकार हैं, ODOP से जुड़े जो अलग अलग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, उनकी मीट है, तो इसलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हर क्षेत्र में जो है, हर क्षेत्र को उसके हिसाब से सारे जो डिस्कशन हैं सारे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि सारे जो चर्चा हो रही है उसको मिला के जो है हमारी कोशिश है कि एक पूर्वांचल को के आगे जो विकास होगा उसका खाका क्या हो, उसका रोड मैप क्या हो, उसका ब्लूप्रिंट क्या हो।
देखिए ये पूर्वांचल के विकास की बात हो रही है, सतत विकास की, सर्वांगीण विकास की, तो वो तो पूर्वांचल की सारी जनता को फायदा होगा, क्योंकि फिर नीतियां जो है वो सरकारी गलियारे से निकल के और लोगों के शिक्षा जगत के लोगों द्वारा बनाई जाएंगी, तो वो नीतियां जो है इस क्षेत्र की ज़रूरत को ध्यान में रख के बनाई जाएंगी, तो इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। तो इस ये ऐसा मेगा सेमिनार है जिससे जिस मंथन के बाद जो चीज़ निकलेगी उससे पूरे क्षेत्र की दिशा तय होगी, और जो है इससे हर एक व्यक्ति को, इस क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र के नहीं, जब इस क्षेत्र का विकास होगा मतलब प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास मतलब देश का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा।